बनाई हूँ पुरानी चुन्नी और साड़ियों से बना हुआ डोरमेट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए आइए हम इसे बनाना सीखें। हेलो दोस्तों, आज मैं नई डिज़ाइन का डोरमेट सिखाने जा रही हूँ। ये मैंने 32 फिंदे में बनाया है और आपको ये हम 24 फिंदे में थोड़ा छोटा बता रही हूँ। ये देखिएगा, ये 24 फिंदे मैंने डाले हैं 6-6 के में और इसमें मैंने 8-8 के में डाले हैं, 8-8 फिंदे डाले हैं, तो 32 फिंदे का बनाया है बड़ा और ये मैं छोटा बता रही हूँ। ये देखिएगा किस तरह से बनेगा। ये देखिएगा दो फिंदे जो ग्रीन के हैं, मैं पिंक से बुन लूँगी। ये इसी तरह से हम बनाएंगे, दो दो फिंदे ऊपर की साइड बढ़ाते जाएंगे और बनाते जाएंगे। इसमें कोई फिंदा छोड़ना नहीं है बगैर बुना हुआ, बराबर बनाना है और ये सीधा सीधा बनेगा। ये दो फिंदे अब हम ब्लू से बना लेंगे इस तरह से। इसी तरह से अब अभी हम बनाएंगे, फिर आगे का आपको हम दिखाते हैं। ये देखिएगा लास्ट का फिंदा है, इस तरह से मैं बुन लूँगी और सीधी सिलाई हम उसी तरह से रखेंगे। पीले फिंदे हम पीले की जगह पर रखेंगे और जो ब्लू है तो ब्लू की जगह पर रखेंगे। ये पूरी इसी तरह से जाएगी सिलाई। ये देखिएगा फिर से मैं दो फिंदे ये पिंक के बनाऊंगी। ये इसी तरह से हम पूरी लाइन ऐसे ही बनाऊंगी, दो दो फिंदे करके। और ये दो बचे हैं तो आपकी लाइन में उधर से हो। ये देखिएगा दो फिंदे हम इधर से ये ग्रीन के बना लूंगी पीली की जगह पे इस तरह से। ये ग्रीन की जगह पे हम ग्रीन बनाएंगे और पीले के जगह पे हम पीले बनाएंगे। ये सीधी सिलाई है। ये इसी तरह से पूरी जाएगी। ये देखिएगा ये इसका एंड हो रहा है इस वाले कलर का और हमने ये वाला कलर हमने इस वाले कोने पे लगा दिया है तो इसका कलर इधर से चलने लगेगा। ये तिरछी जाएगी, लारिया की तरह बनती है। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये देखो अब यहाँ पे हम ये 6 फिंदे जब हो जाएंगे, ये ग्रीन के 6 फिंदे हो गए और इसको मैं अब यहाँ से फिर ये दूसरा कलर लगा लेंगे पिंक वाला। ये इसी तरह से हम बनाएंगे। ये देखिएगा यहाँ से शुरू हुआ, इधर एंड होने को आया तो इधर हमने शुरू कर दिया। इसी तरह से इसका एंड होगा तो इसको फिर मैं यहाँ से शुरू फिर कर दूँगी। ये इसी तरह से बनेंगे 6-6 फिंदे के, जैसे 6 फिंदे हमने डाले हैं तो 6 फिंदे के बाद हम ये डिज़ाइन यहाँ से शुरू कर देते हैं। इसी तरह से ये कम्प्लीट होगा। ये देखें इसके आगे का कैसा बनेगा, उसके लिए मैंने ये 12 फिंदे डाले हुए हैं। आप देखिएगा किस तरह से हम बनाएंगे। ये सिलाई इसी तरह से जाएगी और दो फिंदे में लास्ट में बगैर बुने हुए छोड़ देंगे। ये देखिएगा ये बगैर बुने हुए मैंने छोड़ दी और सिलाई को पलट लिया है। ये सिलाई इसी तरह से पूरी जाएगी। ये देखिएगा दो फिर हमने बगैर बुने हुए छोड़ दिए हैं। ये इसी तरह से हम ऊपर तक जाएंगे ऐसे ही दो दो छोड़ते हुए, तब हम जब हम पूरा यहाँ तक बना लेंगे
तब हम आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा, दो दो करके हमने सारे फिंदे उतार लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये कली बनके एक तैयार हो गई है। अब हमें कलर दूसरा लगाना है, तो दो सिलाई हम इस वाले कलर की लगाएंगे, फिर दूसरा कलर लगा लेंगे और इसकी छह कली बनानी है। ये सारे फिंदे बन जाना है। एक सिलाई निकल गई है, अब ये सीधी सिलाई है, हम पूरी इसी तरह से ये सीधी निकाल लेंगे। ये देखिएगा, हम दूसरा कलर लगा रहे हैं। ये भी हम पूरी सिलाई इसी तरह से निकालेंगे। ये देखिएगा, अब सीधी साइड पे हैं, सीधी सिलाई भी पूरी इसी तरह से जाएगी। ये देखो, ये दो हमने फिंदे फिर बगैर बुने हुए छोड़ दिए हैं। जिस तरह से हमने नीचे बनाया था उसी तरह से बनाना है, तो ये भी कली तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हमें छह कली बनानी है और इसके हम छह पीस बनाएंगे। ये देखिएगा, हमने छह पीस बना लिए हैं इनके। इस तरह से भी ये बनके तैयार हो जाएंगे। ये देखिएगा, हम एक इधर साइड लगाएंगे और इस साइड पे, और एक इस साइड पे इस तरह से लगाएंगे, और दो दो हम इधर साइड पे इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से। ये देखिएगा, इस तरह से हम पूरा इसको सिल देंगे। अब देखिएगा किस तरह से ये सिला जाएगा। ये देखिएगा, इस तरह से हम सिलेंगे इसको, ये वाले कोने से और ये वाला कोना, इस तरह से हम सिल देंगे इसको। ये देखिएगा, हमने सिल के तैयार कर लिया है और ये इसी तरह से बनेगा। और बड़ा बनाना चाहें तो और बड़ा बना सकते हैं।